राणा चंडीगढ़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अब शहर में आम हो गई हैं और इससे ग्रसित लोग शहर में हर दूसरे घर में आम देखे जा सकते हैं। इन बीमारियों के बढ़ने के पीछे सीधे तौर पर एक ही कारण है, वह है खान पान और रहन सहन। इसी के चलते शुक्रवार को सेक्टर 15 ओल्ड एज होम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ होटल मैनेजमेंट के कर्मियों द्वारा बुजुर्गों के लिए बाजरे पकवान तैयार किए गए, जिसे बुजुर्गों को खिलाया गया। इन पकवानों में बाजरे व ज्वार की खिचड़ी, दाल, सलाद और खीर शामिल हैं। CIHM के सुखविंदर सिंह ने बताया कि तैयार किए गए खाने को बुजुर्गों को खिलाया गया है और जिन्हें बुजुर्ग पसंद करेंगे उसे ओल्ड एज होम के खाने के मेन्यू में भी शामिल किया जाएगा। तो आज हमने ये जो हमारे बुजुर्ग हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, जो उनका यहाँ पर देखभाल गवर्नमेंट कर रही है, हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा। हमने इनके साथ इंट्रैक्शन करी, इनके साथ हमने बातचीत करी, इनके साथ हमने डिस्कस किया कि ये खाना कैसे खा रहे हैं, इनकी क्या फैसिलिटीज़ चल रही हैं, इनको खाने में क्या अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जब मेरी कई बुज़ुर्गों के साथ इंट्रैक्शन हुई तो वो उन्होंने अपना पुराने ज़माने की बातें करी। उन्होंने बताया कि हम बाजरा खाया करते थे, हम जौ खाया करते थे, हम बाजरे की रोटी बना के खाया करते थे, रागी को खाया करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारा मकसद ये है कि इन जो बुज़ुर्ग हैं इनके लिए भी हम मिलेट्स का प्रमोशन करें। इनके जो खाने के अंदर है जो इनको चीज़ें, आज हमारे साथ शेफ़ है, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से शेफ़ हैं, तो यहाँ पर हम एक तो कंगनी की खीर और सैलड, मिलेट्स का सैलड बना रहे हैं और हम ये इन बुज़ुर्गों को खिलाएंगे। फिर हम इनसे इनके व्यू लेना चाहते हैं कि इनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर इनको ये चीज़ें पसंद आती हैं, इनको ये अच्छी लगती हैं, तो हमारी ये है कि हम जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इनके जो मिलेट का जो इनका भोजन है, जो इनका मील है, उसके अंदर ये मिलेट्स को ऐड किया जाए ताकि इनके अंदर जो विटामिन मिनरल्स की इस टाइप की कोई भी तरह की कमी ना रहे। इस मौके पर प्रशासन के पोषण रोशन कार्यक्रम को चला रही सरिता गोदवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा पुराने खाने को महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते देश भर में सभी जगहों पर पुराने खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बहुत फेमस हुआ करते थे, तो आज उन्हीं चीज़ों को दोबारा से प्रमोट करने के लिए कि उसके जो जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ बाजरा और ज्वार की खिचड़ी और खीर भी हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे। शेफ हमारे साथ CIHM से आए हुए हैं, फिसाई से टीम है, PGI से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो आज इन्हीं सब के साथ एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग का ये प्रोग्राम ओल्ड एज होम में करवाया गया है। और समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर मैडम पालिका अरोड़ा और सेक्रेटरी मैडम नितिका पवार जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और चंडीगढ़ मिलेट्स मिशन की शुरुआत करके हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम लगातार, कभी ओल्ड एज होम में, कभी आंगनवाड़ीज पे, कभी कम्युनिटी लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं। इस मौके पर मौजूद बुजुर्गों ने बताया कि उनके बचपन में ये खाना तैयार किया जाता था जिसे उनके माता पिता द्वारा खिलाया जाता था, जिसकी वजह से वे ना सिर्फ स्वस्थ रहे बल्कि मेहनत वाला काम भी बड़े आराम से करते थे। सरिता गोदवानी के मुताबिक पहले बुजुर्गों से पूछा गया था कि वह बाजरे और ज्वार से तैयार कौन सा व्यंजन खाना चाहते हैं। इस पर उनकी तरफ से जो नाम लिए गए उन्हें ही इसमें शामिल किया गया था। बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, जब भी हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, जो जो ये लोग हमें सिखाते हैं। जैसे आज बात हो रही थी कि मिलेट्स के, तो ये इतने फैमिलियर हैं ये रेसिपीज़, जो आज हमें बनाने में कष्ट होता है कि बाजरे की रोटी कैसे बनेगी, हम घर में अगर बात करते हैं कि रागी का क्या क्या चीज़ें बननी चाहिए, तो जब ये बुज़ुर्गों से बात करते हैं तो इनके लिए बहुत आम बात है, इनको लगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर हम उनको लाइफ में उतारते हैं और इनकी चीज़ों को सुन के समझ के वो आगे बच्चों में भी लाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे देश का कल्चर है, जो संस्कृति है, वो आगे तक पहुंच पाएगी। प्रोग्राम के दौरान सभी बुजुर्गों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बचपन की यादें ताजा करते हुए गाना गाया। जैसे ही गाना शुरू किया गया, सामने बैठे अन्य सभी बुजुर्गों ने स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर दिया और तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। इस दौरान सभी बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान थी और कईयों के चेहरे पर तो हंसते हुए आंसू भी आ रहे थे। ऐसा है कि ये जो वर्ष है ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी
मिलेट्स का जो प्रमोशन है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं और उनकी प्रेरणा से सारे देश में मिलेट्स को प्रमोट करने के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, उसकी एक यूनिट है पोषण यूनिट, वो आज हमारे बुज़ुर्गों के साथ, बुज़ुर्गों के सामने मिलेट्स प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें वो बाजरा है, कोदो है और इस तरीके कई मोटे अनाज है, उनका क्या क्या रेसिपी बन सकती है, उनको कैसे अपने मेनू में, कैसे अपने दैनिक खानपान में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, तो उनका क्या रेसिपी बुज़ुर्गों के खाने में, दैनिक खाने में शामिल किया जाए, इस पर ये प्रोग्राम चल रहा है।